नमस्कार, मेरा नाम ममता जैन, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सांगानेर में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर पदस्थापित हूँ। आज मैं आपको यूजेस ऑफ निटेड फैब्रिक के बारे में जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहले तो निटेड फैब्रिक जो है वो बहुत वर्सेटाइल फैब्रिक्स हैं, विविध रूप से हम इनको काम में ले सकते हैं। ये ना केवल क्लोथिंग में, पहनने के वस्त्रों में काम में लिए जाते हैं, बल्कि होम फर्निशिंग्स में भी हम देखते हैं कि आजकल इसका प्रचलन बढ़ रहा है। आजकल होम फर्निशिंग के अतिरिक्त डिफरेंट सेक्टर्स में भी इनको हम काम में ले रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, जियो टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव में, प्रोटेक्टिव अपेरल्स में इत्यादि में। इस तरह की इसकी कंसीडरिंग यूजेस के कारण इनका मार्केट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण स्पेशलाइज फील्ड फैब्रिक्स को डेवलप किया जा रहा है। निटिंग के लिए, निटिंग के द्वारा स्पेशलाइज फैब्रिक को डेवलप किया जा रहा है बाजार की मांग को देखते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोथिंग अपेरल, क्लोथिंग की या अपेरल्स जिसे हम कह सकते हैं। सबसे ज्यादा निटिंग की टेक्निक का इस्तेमाल कपड़ा बनाने में किया जाता है। जर्सी स्टिच को यूज करके हम सॉफ्ट ड्रेसेस को बना सकते हैं, ऐसी ड्रेसेस जो कि सॉफ्टनेस दी हुई हो। डबल निट को हम काम में लेते हुए जैकेट, पैंट इत्यादि को बना सकते हैं। इंटरलॉक के द्वारा हम इवनिंग वेयर को और इंटीमेटेड गार्मेंट लिंगरिंग को हम बना सकते हैं। ट्राइकॉट इज परफेक्ट फॉर द एक्टिव वेयर। ट्राइकॉट निट के कपड़े स्पोर्ट्स वेयर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। फर्निशिंग में स्टेपल निट आर एक्सीलेंट फॉर कर्टेन। स्टेपल निट जो है वो कर्टेन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपनी शेप को बनाए रखता है, साथ ही साथ इसकी ड्रेपिंग क्वालिटीज बहुत अच्छी है। देन ब्लैंकेट के अंदर हम फ्लीस निट को काम में लेते हुए ब्लैंकेट तैयार करवा सकते हैं। डेकोरेटिव क्लोथ जैसे कि पिलो कवर आदि के लिए हम रेशम निट को काम में लेते हैं। देन थर्ड पॉइंट है जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल मतलब भू से जुड़ी हुई बातें, जो कि जियो टेक्सटाइल मीन्स जमीन से संबंधित जो भी हम टेक्सटाइल काम में लेते हैं, जियो टेक्सटाइल के रूप में जानी जाती है। जियो टेक्सटाइल बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो एप्लीकेशन है वहां पर काम आती है, जैसे कि मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी के सेपरेशन, सॉइल सेपरेशन के लिए, या फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज इत्यादि के लिए। 25% निटेड स्ट्रक्चर्स का जो यूज होता है वो जियो टेक्सटाइल के अंदर किया जाता है। इन फैब्रिक्स की स्ट्रेंथ हाई होती है, लो एक्सटेंसिबिलिटी, खिंचाव की क्षमता कम होती है, हाई मॉड्यूलस है, और सबसे बड़ी बात इनकी टियरिंग स्ट्रेंथ बहुत हाई है, आसानी से ये फटते नहीं है। टेक्निकल यूज यदि हम इसका देखें तो टेक्निकल यूज में निटिंग फैब्रिक और निटिंग टेक्निक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है टेक्निकल टेक्सटाइल में। ज्यादातर टेक्निकल टेक्सटाइल मैनमेड फाइबर्स के बने हुए होते हैं, लेकिन कई बार उस नेचुरल फाइबर्स को भी इसमें यूज किया जाता है। वाफ नेट फैब्रिक्स का प्रयोग नेट्स बनाने के लिए, बैंडेजेस के लिए आदि के लिए किया जाता है, जबकि वेफ नेटिंग का भी अन्य टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। मेडिकल एप्लीकेशंस की यदि हम बात करें तो मेडिकल एप्लीकेशंस में चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रयोग में लिया जाता है निटेड टेक्सटाइल्स को, जैसे कि बैंडेज के लिए, सर्जिकल स्टॉकिंग्स के लिए, घुटने के बैंड्स, नी बैंड्स, कलाई के बैंड्स, रिस्ट बैंड्स आदि के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है इस फील्ड में वो है स्पेसर फैब्रिक का काम में लेना। स्पेसर फैब्रिक जो कि जिनमें की एयर का फ्लो बहुत अच्छा होता है, उसका प्रयोग लेते हुए मेडिकल के क्षेत्र में बेड्स के लिए या ऑपरेटिंग टेबल्स आदि के लिए इसको प्रयोग में लिया जाता है। सर्कुलर नेट फैब्रिक्स एंड वाफ नेट फैब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है
आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स को बनाने के लिए और अन्य क्षेत्रों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निटेड स्पेसर फैब्रिक, जैसे कि मैंने भी आपको बताया स्पेसर फैब्रिक, और इस चित्र में भी मैं आपको बता रही हूँ, बताना चाहूंगी कि स्पेसर फैब्रिक मींस जहां पर कि एयर का फ्लो आसानी से हुए, तो ये एक बहुत वंडरफुल डेवलपमेंट है निटेड फैब्रिक्स का। बेसिकली 3D फैब्रिक्स जो इसके ये बनते हैं, ये दे आर यूनिकली फैसिलिटेड विद एयर फ्लो। इनमें इन 3D स्पेसर फैब्रिक में एयर का फ्लो बहुत अच्छे से होता है। इसकी आने वाले समय में इसकी डिमांड, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत आएंगे, क्योंकि इसकी फंक्शनल, एस्थेटिकल और टेक्निकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। वार्पनेट स्पेसर फैब्रिक्स की यदि हम बात करें तो वो हम काम में लेते हैं मैट्रेसेस में, कार सीट्स में, कार कवर्स इत्यादि में। वार्पनेट स्पेसर फैब्रिक्स को हम काम में लेते हैं एक सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प के रूप में, जहां पर भी हम फोम का इस्तेमाल करते हैं, वो हो सकता है फोम सीट्स, फोम के बैड्स या अन्य जगह एयरक्राफ्ट आदि में। तो अभी आज मैंने आपको बताया निटेड फैब्रिक के यूजेस के बारे में। थैंक यू।